अस्सलाम वालेकुम, दिस इज अमीमा इफ्तिखार, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एट अपमार्क, एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। और ये इंटरेस्टिंग टॉपिक क्यों है, क्योंकि इसमें ऑस्ट्रेलिया का एलिमेंट है। हमने कुछ अर्से से देखा है कि जिस तरीके से नेट माइग्रेशन कम करने के लिए ऑस्ट्रेलिया बार बार नए रूल्स इम्प्लीमेंट करा रहा है, जीटी से जीएसटी, एंड देन अभी भी कुछ भी वो समराइज नहीं कर पा रहे कि किस तरीके से वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को एक्सेप्ट करेंगे। इसके बावजूद मैंने ऐसे लाइक आउट 5 out of 10 स्टूडेंट्स ऐसे देखे हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया ही जाना चाहते हैं अपनी हायर स्टडीज के लिए, बट करंट सिचुएशन की वजह से दे आर अनएबल टू यू नो गो देयर। हम इस वीडियो में ये बात करेंगे कि कौन सा आपके पास ऐसा पाथवे है जिसके थ्रू आप ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं अल्टीमेटली, एंड क्या अगर मैं लेट्स से अगर मैं कहती हूँ कि गारंटीड आपका ट्रांसफ़र हो जाता है, तो गारंटीड ट्रांसफ़र में आपकी प्रोफाइल कैसी होनी चाहिए। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कर्टन यूनिवर्सिटी। अगर कर्टन यूनिवर्सिटी के हम मेन कैंपस की बात कर लें तो या पर्थ में या ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन इसका एक सब कैंपस आपको दुबई में भी मिलेगा और एक मलेशिया में भी है। आज स्पेसिफिकली हम कर्टन दुबई की बात कर रहे हैं, कर्टन मलेशिया पे हम इसके बाद वीडियो बनाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसे कि हमने इंट्रो में इसको थोड़ा सा इसका चंक डिस्कस किया है कि अभी जो सूरत हाल है ऑस्ट्रेलिया की, अभी आप दिस इज़ टोटली अनप्रडिक्टेबल कि किस पैरामीटर्स पे उन्होंने एग्जैक्टली स्टूडेंट्स को लेना शुरू करना है। ऑल दो दे आर इम्प्लीमेंटिंग न्यू एंड न्यू यू नो पॉलिसीज, बट स्टिल अभी तक उनकी काफ़ी चीज़ें जो हैं वो आप अनप्रडिक्टेबल भी कह सकते हैं, अनडिसाइडेड भी कह सकते हैं। इस सूरत हाल में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अपनी हायर एजुकेशन के लिए नो मैटर वॉट ऑस्ट्रेलिया ही जाना चाहते हैं फॉर मैनी रीजन्स, बट अभी क्योंकि जो सूरत हाल है वो नहीं जा सकते। अगर मैं आपको ये कहूँ कि कर्टन दुबई के थ्रू आप जा सकते हैं, और कर्टन दुबई की सबसे जो बेस्ट बात है दैट इज़ कि उनका जो ट्रांसफ़र रेट है वो 100% है, लिटरली 100% है। और वो कैसे है, आपकी क्या प्रोफाइल होनी चाहिए, वो भी डिस्कस करते हैं। अच्छा, अब अगर हम सबसे पहले इसकी रिक्वायरमेंट्स को देख लें जो कि एंट्री रिक्वायरमेंट एकेडमिक प्लस इंग्लिश, तो इसमें अंडरग्रेड के कोर्सेज हैं प्लस पोस्ट ग्रेड में सिर्फ आपको दो ही मिलेंगे, एक एमबीए और एक मास्टर्स इन इंजीनियरिंग मैनेजमेंट। अंडरग्रेड की जो इसकी फ़ी है दैट इज़ अराउंड 56,000 पर एनम, एंड गेस व्हाट, यू कैन गेट अप टू 50% स्कॉलरशिप इन अंडरग्रेड प्रोग्राम्स। और इसमें जो गारंटेड स्कॉलरशिप है वो इनकी तकरीबन 30% है, बट 50% अगर आप ग्रेड्स अच्छे हैं तो आप स्ट्रेट 50% स्कॉलरशिप ले सकते हैं। ऑल्सो अगर हम बात कर ले पोस्ट ग्रेड की, पोस्ट ग्रेड में आपको स्कॉलरशिप कम मिलती है, अराउंड 10% 15%, और उसकी जो फ़ी है एमबीए की वो तकरीबन 1,15,000 दरम है, और जो उसका दूसरा मास्टर इन इंजीनियरिंग मैनेजमेंट वाला प्रोग्राम है उसकी फ़ीस तकरीबन है कोई 91,000 के करीब, और इसमें आपको 10-15% अगर स्कॉलरशिप मिल जाता है तो ठीक है। इसके जो प्रोग्राम ड्यूरेशन है वो तकरीबन 16 months है, एंड इसकी जो सबसे अच्छी बात है इसकी मास्टर प्रोग्राम की, नॉट ओनली इन कार्टन बट अराउंड द दुबई जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे क्लासेस मास्टर्स की होती हैं 6 to 10। हैविंग सेड दैट, अगर आप 6 to 10 अपनी क्लासेस ज्वाइन अटेंड कर रहे हैं तो इसका मतलब कि आप 9 to 5 जॉब कर सकते हैं। पर्सनली मुझे दुबई बहुत पसंद आया एंड आई रियली वॉन्ट टू शिफ्ट देयर, बट फौरी तौर पर ऑब्वियसली मैं यहाँ से जा नहीं सकती। मुझे दुबई क्यों पसंद आया, बिकॉज आपको वहाँ पे एक्चुअल में डाइवर्स कल्चर मिलता है। मतलब आप जाहिर सी बात है वो 80% तो वहाँ पे एक्सपैट्स हैं, वहाँ पे आपको हर नेशनलिटी के लोग मिलते हैं, हर तरह के लोग मिलते हैं। अगर हम लोगों की हद तक बात कर लें, अगर हम कंपनीज की हद तक बात कर लें, जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं उनके टॉप 3% आपको दुबई में मिलेंगे, ठीक है। जितनी भी कंपनीज हैं मल्टीनेशनल एंड बिग फर्म्स अराउंड द ग्लोब, उनके टॉप 3% आपको दुबई में मिलेंगे। और वहाँ पे देयर आर सम कंपनीज, बिकॉज व्हेन आई विजिटेड देयर तो मैंने ऑब्वियसली कुछ कंपनीज को भी विजिट किया था, और वहाँ पे आई हैव सीन के कुछ कंपनीज आपको डॉलर्स में भी पे करती हैं। अगर आप देखें, अगर आप खुद काबिल है ना तो आप पाकिस्तान में भी रह के आप अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर लेते हैं, मेरा इस चीज़ पे मानना है। एंड ये मैं अपनी बहुत सारी वीडियोस में कह चुकी हूँ कि आप दुबई जाएं, मलेशिया जाएं, पाकिस्तान में रहें, बांग्लादेश जाएं, यूके जाएं, यूएसए जाएं, अगर आप खुद काबिल हैं तो आप कहीं ना कहीं अपने लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर ही लेते हैं। अब यहाँ पे अगर हम दुबई की ओवरऑल देखा जाए कि कौन सी इंडस्ट्रीज़ वहाँ पे वैसे ही बूम करती हैं या कौन सी इंडस्ट्रीज जो है वो हाइप पे रहती हैं,
आपको वहाँ पे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है वो बहुत ज़्यादा रिवॉर्डिंग मिलेगी। मज़े की बात, मैंने जितनी भी पार्टनर यूनिवर्सिटीज सॉरी जितनी भी पार्टनर यूनिवर्सिटीज मैंने वहाँ पे विजिट की थी, मैंने वहाँ पे एक चीज़ देखी कि जो बेस्ट स्कल्पचर मैंने वहाँ पे एक चीज़ देखी थी, जो बेस्ट स्कल्पचर बनाता है, जो बेस्ट बिल्डिंग बनाता है ड्यूरिंग देयर प्रोजेक्ट्स एंड स्टडीज, उनको वहाँ पे वो प्राइज भी देते हैं। और उनके इंटरनल प्राइज हैं, कुछ एक्सटर्नल प्राइज हैं जो कि आपको प्रोजेक्ट बेस्ड मिलते हैं। ऑल्सो देयर आर मेनी यूनिवर्सिटीज जो आपको कैंपस के अंदर इंटर्नशिप्स देती हैं। एंड वन थिंग मोर कि 3 मंथ्स के लिए इंटर्नशिप आपकी फ्री होती है, उसके बाद आपको वहाँ पे पे कर मिलना शुरू होती है। हमारी यूनिवर्सिटीज के साथ स्पेशली कर्टन के साथ जो हमारा एग्रीमेंट है या जो हमारी पार्टनरशिप है, दैट सेज कि अगर आप मार्क्स से बचे जाते हैं तो वो उनको जो ऑन कैंपस इंटर्नशिप्स है उसके लिए भी अकोमोडेट करेंगे। तो आइदर आप अगर बैचलर्स के लिए जाएं और या आप मास्टर्स के लिए जाएं। मास्टर्स के लिए तो वैसे आप 9 to 5 जॉब कर सकते हैं, कि थोड़ा सा मैंने आप चंक बताया था, मैं आपको इवन अगर 40 मिनट्स की वीडियो भी बना लूँ ना, मैं पॉडकास्ट भी कर लूँ ना तकरीबन 2 आवर्स का, तब भी मैं आपको पूरा दुबई जो है उसमें कवर नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि वहाँ पे आपको डाइवर्सिटी, चाहे वो जॉब डाइवर्सिटी हो चाहे बिजनेस डाइवर्सिटी हो, जॉब तो चलो 9 to 5 है, बिजनेस डाइवर्सिटी की अगर हम बात करना शुरू कर दें तो मैं ये 2 आवर्स में भी इसको कंप्लीट नहीं कर सकती, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और दुबई इज़ अंडररेटेड डेस्टिनेशन एंड आई रियली मीन इट। ये सिर्फ हमने यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया इनको हाइप किया हुआ है, फॉर मेनी रीजंस यहाँ पे आपको जो है कहीं ना कहीं बेनिफिट्स मिल जाते हैं, बट एट द सेम टाइम अगर हम बाकी डेस्टिनेशंस को देखें, स्पेशली दुबई, मैं मिडिल ईस्ट की कोई और कंट्री का इसलिए इसमें नाम नहीं ले रही स्पेसिफिकली, एक तो ये दुबई की वीडियो, लेकिन इसमें मैं इसलिए नाम नहीं ले रही क्योंकि आप दुबई को अब वो इतना मिडिल ईस्ट के हिसाब से ट्रीट नहीं कर सकते, क्योंकि जो अपॉर्चुनिटीज़, जो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़, जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपको वहाँ पे मिलती हैं, दैट इज़ अनडिनाइलेबल। अच्छा, इसके अलावा हम अगर इसकी एंट्री रिक्वायरमेंट की बात कर ले, तो आपका वही 2:2 मीन्स के मिनिमम 55% आपके अंडर ग्रेड में होने चाहिए 4 साल में टू गेट इन टू इट पोस्ट ग्रेड। और अगर हम अंडर ग्रेड की बात कर ले तो वो डिफरेंट स्टेजेस है। अगर आपने ओ लेवल्स किया तो आपको ये 2 सेमेस्टर्स का फाउंडेशन लगेगा, अगर आपने ए एस किया तो आपको 1 सेमेस्टर का फाउंडेशन लगेगा, इसी तरह से अगर आपके इंटरमीडिएट में 60% हैं तो आपको तकरीबन 2 सेमेस्टर का फाउंडेशन लगेगा, इसी तरह से अगर आपके इंटरमीडिएट में तकरीबन 50% है तो 2 सेमेस्टर, अगर 60-65% है तो आपको लगेगा 1 सेमेस्टर, और अगर आपके 75% अबव हैं तो आपको जो है तकरीबन आपका डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा। इसी तरह अगर हम अंडर ग्रेड की फ़ी की बात कर ली, स्कॉलरशिप की बात कर ली, एंड गेस व्हाट, आपका जो इनिशियल डिपॉजिट है वो यहाँ पे सिर्फ 3500 है। आपने 3500 पे करना है एट द टाइम ऑफ वीज़ा एप्लीकेशन, बिफोर वीज़ा एप्लीकेशन, उससे पहले, उसके बाद जब आपने इनरोल होना है तो जो आपकी ओवरऑल फ़ी का 25% है वो आपने देकर इनरोल होना है। इसके अलावा आपके बाकी सारे एक्सपेंसेस हैं, बाकी सारे एक्सपेंसेस में आपकी वीज़ा फ़ी आ जाती है, इंश्योरेंस आ जाते हैं, कुछ एडमिन फ़ी आ जाती है, दैट वेरीज नॉट वेरीज वेरीज फ्रॉम यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, बट अगर हम सिर्फ कटन की बात कर ले तो ये सारा क्यूमलेटली अपार्ट फ्रॉम फी कोई 10,000 इसके ऊपर बनता है, 10,000 दरम हार्डली। उसके बाद इंग्लिश रिक्वायरमेंट की अगर हम बात कर ले तो आपको अंडर ग्रेड में 6 ओवरऑल, नो बैंड लेस देन 5.5, 5.5 ओवरऑल, इवन नो लेस देन 5.5 ये आपका है, मीन्स कि वही जो ऑस्ट्रेलिया में आपके फाउंडेशंस की और इसकी प्रोग्राम्स की आइल्स की रिक्वायरमेंट होगी वही यहाँ पे आपको दुबई में फुलफिल करनी पड़ेगी। अच्छा, अब आ जाते हैं पोस्ट ग्रेड के इंग्लिश रिक्वायरमेंट के बारे में। अगर बात कर ले तो आपको आइल्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, अगर आपने अपना अपनी डिग्री यहाँ से की हुई है 4 साल की, नहीं पड़ती, मतलब पोस्ट ग्रेड के लिए ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा, अब जो मोस्ट कंसर्निंग क्वेश्चन है या मोस्ट कंसर्निंग पॉइंट इस पूरी वीडियो में, दैट इज़ 100% ट्रांसफ़र कैसे होता है। अब इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ से दुबई जा रहे हैं और दुबई से आप ट्रांसफ़र ले रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको इंट्रो में भी कहा कि दुबई से इनका जो मेन कैंपस है ऑस्ट्रेलिया में, इनकी जो ट्रांसफ़र रेट है दैट इज़ 100%, नॉट 99, नॉट 98, 100%। 100% का मतलब ये है कि जितने स्टूडेंट्स हैं वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं।
उसके लिए आपके पास एक सर्टन लेवल की प्रोफाइल भी होनी चाहिए। ये नहीं कि यहाँ पे आपका 10 साल का गैप था तो अगर आपको दुबई में एडमिशन मिल गया तो आगे भी ट्रांसफर हो गया। अब इसको दो पार्ट में वो करते हैं डिवाइड, और उसको डिस्कस करते हैं ट्रांसफर के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले अगर हम देख लें, लेट्स से आपका जितना भी गैप हो डजेंट मैटर, अगर आपने दुबई में अपनी डिग्री कंप्लीट करनी है, ठीक है, वो बेशक जितने भी साल हो वो केस टू केस वेरी करता है, उसको जस्टिफाई करना पड़ता है। अगर आपने दुबई में कंप्लीट करनी है तो इट डजेंट मैटर। लेकिन अगर आपका ये प्लान है कि आप 1 साल पढ़ के ऑस्ट्रेलिया में अपना ट्रांसफ़र लेते हैं, तो आपका 1 साल से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए इंटरमीडिएट में, ठीक है। उसके अलावा अगेन आपने जीटी की सारी रिक्वायरमेंट को मीट करना है, जैसे कि पाकिस्तान से होती हैं। अच्छा, अब इस सिनेरियो में हमें दुबई पढ़ने का क्या फ़ायदा है? हमें दुबई पढ़ने का फ़ायदा ये है, वो स्टूडेंट्स जो कि अभी अपने एग्जाम्स दे के फ्री हुए थे एंड दे वर प्लानिंग टू अप्लाई इन ऑस्ट्रेलिया फॉर देयर अंडरग्रेड प्रोग्राम्स, बट अनफॉर्चुनेटली जो करंट सिचुएशन है उसकी वजह से वो नहीं कर पा रहे, उनके लिए सबसे बेहतर ये है कि वो अपनी स्टडीज डिसकॉन्टिन्यू ना करें, ठीक है। वो अगर कर्टन में जाते हैं 1 साल वहाँ पर पढ़ते हैं, तो उनका 1 साल से दूसरे साल में ट्रांसफ़र हो जाएगा मेन कैंपस में। लेकिन अगर वो पाकिस्तान में एडमिशन ले लेते हैं तो पाकिस्तान के क्रेडिट ट्रांसफ़र ऑस्ट्रेलिया में नहीं होते, बिल्कुल भी नहीं होते। मैंने बहुत कम ना होने के बराबर केसेस देखे हैं कि जो पाकिस्तान से इधर क्रेडिट ट्रांसफ़र होते हो। सो अगर आप यहाँ पे 1 साल पढ़ लेते हैं तो फिर भी आपको अगेन वहाँ से 1 साल ही शुरू करना पड़ता है, और उसमें भी काफ़ी लिमिटेशंस रिजर्वेशंस आ जाती हैं कि जेन्युइन स्टूडेंट्स जो है उनके लिए 1 साल भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। देन वाई आप अपना 1 साल इग्नोर करके फिर वहाँ से नए सिरे से शुरू कर रहे हैं, तो वो फिर एक जेन्युइन स्टूडेंट का वो जो एक कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको कॉम्प्रोमाइज़ ये बात करती है। इसीलिए आई सजेस्ट कि अगर आप अंडरग्रेड के लिए जाना चाह रहे थे और जो भी करंट सिचुएशन है उसकी वजह से आप नहीं जा पा रहे, गो टू दुबई, 1 साल वहाँ पे पढ़े, 1 साल के बाद सेकेंड ईयर से आपका ट्रांसफ़र उधर हो जाएगा, बट आपका 1 साल से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। एंड अगेन आपने अपनी जीटी की रिक्वायरमेंट बाय ऑल मीन्स कंप्लीट करनी है जब आपने सेकेंड ईयर में ट्रांसफ़र लेना है, बट वहाँ पे आपके सर्कमस्टांसेस डिफरेंट हो जाते हैं, और सर्कमस्टांसेस डिफरेंट डिफरेंट होने के साथ साथ आपको खुद यूनिवर्सिटी कैरी होती है, जो जिस यूनिवर्सिटी के एक कैंपस से दूसरे कैंपस में जाना होता है वो खुद पूरा आपको असिस्ट कर रही होती है ट्रांसफर प्रोग्राम्स के लिए, ठीक है। अगर हम अब दोबारा आ जाते हैं उस पर कि पाकिस्तान से दुबई जाना है, ठीक है, उसमें ना आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए, आइल्स चाहिए, वो मैंने आपको बता दिया जितना ऑस्ट्रेलिया की फाउंडेशन उनके जो जो है डिप्लोमा टू और उनके जो डायरेक्ट डिग्रीज की रिक्वायरमेंट है अंडरग्रेड की, वो ही इम्प्लीमेंट होती है दुबई कैंपस में। अच्छा, अब आपको बैंक स्टेटमेंट यहाँ से नहीं चाहिए, यहाँ से जीटी की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन ट्रांसफर के टाइम पे आपको रिक्वायर्ड होगा। तकरीबन हमने सारे चांस ही डिस्कस कर लिए हैं, रिक्वायरमेंट को भी देख लिया, ट्रांसफर प्रोग्राम को भी देख लिया है दुबई कैंपस। अच्छा, दुबई कैंपस की एक और मैं आपको बता दूँ, बिकॉज जैसे मैंने भी आपको पहले ये बोला भी है कि वहाँ पे आपको ऑन कैंपस जो है इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, ठीक है। अंडरग्रेड के स्टूडेंट के लिए 3 मंथ्स अगर आप इंटर्नशिप करते हैं वो अनपेड होती है, ठीक, ऑन कैंपस की मैं बात कर रही हूँ, उसके बाद पेड होती हैं। उसके अलावा मैं अगर आपको ये बात कहूँ कि अंडरग्रेड के स्टूडेंट होते हुए आप उधर जाके अर्न कर सकते हैं, जैसे आप जैसे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो कि यूके में जाकर वो उस तरह का एम करते हैं ना कि मतलब कि हम साथ साथ अर्न भी करेंगे एंड ऑल दैट, तो आप दुबई में ये अपना गोल मत रखें। क्योंकि देखिए अगर हम यूके के साथ या ऑस्ट्रेलिया के साथ दुबई के फी कंपेयर करें तो आधे से भी ज़्यादा डिफरेंस है। वो जितना आपने यहाँ से इनिशियल पे करके जाना है वो उतने में आपका पूरा 1 साल कवर होता है, ठीक है। उसके बाद अगर आप ट्रांसफ़र भी लेना चाहते हैं दैट इज़ समथिंग डिफरेंट, तो आप अपने माइंड में ये रखें कि भाई मैंने जो है वहाँ पे जाकर 1 साल में एक्सपोजर लेना है, मैंने वहाँ पे जाकर ऑन कैंपस अपॉर्चुनिटीज अवेल करनी है, सारी अपनी को करिकुलर एक्टिविटीज़ कंप्लीट करनी है, मैंने अपनी अपनी डिग्री इफेक्टिवली कंप्लीट करनी है, ताकि जब मैं वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया जाऊँ तो मेरे पास वहाँ पे भी ऑन कैंपस अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हो, और जब मैं अपनी डिग्री कंप्लीट कर लूँ बाय द एंड ऑफ माय डिग्री मेरे पास स्किल्स भी हो, एक्सपोजर भी हो, वॉलंटियर वर्क भी हो, इंटर्नशिप्स भी मैंने की हो, तो जब मैं एक्चुअल में जॉब हंट करने जाऊँ तो मुझे प्रॉब्लम ना हो। हम यहाँ पे गलती क्या करते हैं, हम ये कहते हैं कि जो इस टाइम हम डिग्री कंप्लीट कर रहे हैं ना इसी टाइम में सारी सब चीज़ें मिल जाएं, क्योंकि हम अपनी कंट्री में तो होते नहीं है, यहाँ पे हम बड़े पैम्पर्ड होते हैं, तो वहाँ पे जाकर फिर काफ़ी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं। अगर आप दुबई जा रहे हैं तो अपने माइंड में ये रखें कि भाई आई एम गोइंग टू अवेल एवरी पॉसिबल अपॉर्चुनिटी देयर जो मुझे ऑन कैंपस मिलेगी, मैं वहाँ सारी अपनी को करिकुलर कंप्लीट करूँगा या करूँगी,
एंड देन मैं अपनी एक प्रोफाइल बिल्ड करूंगा ताकि जब मैं पीआर के लिए अप्लाई करूँ या एक्चुअल जॉब के लिए अप्लाई करूँ तो मेरी जो रिफ्यूजल के चांसेस हैं वो मिनिमम हो। और जब आपको पीआर मिल जाएगी देन आप जैसे मर्जी जहाँ मर्जी रहे, पाकिस्तान आए, ऑस्ट्रेलिया रहें, दुबई रहे, इट्स ऑन यू। सो ये इस सारे सिनेरियो को अगर हम सम अप करें तो मैं इसका ही कंक्लूजन निकालूंगी कि जो इस टाइम के हालात हैं ऑस्ट्रेलिया के, और मुझे, मैं आपको अगर सजेशन दूं तो दैट इज़ कि आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। वही जो आपका इनिशियल एक्सपेंस ऑस्ट्रेलिया में आना था, यहाँ पे आपका पूरे साल का एक्सपेंस है, इंक्लूडिंग लिविंग एक्सपेंस। तो बजाय इसके कि आप वेट करें फिर आपका एक साल से ज़्यादा गैप हो जाएगा, यूनिवर्सिटीज ने आपको एडमिशन नहीं देना, अगर यहाँ पे आप पाकिस्तान में एडमिशन नहीं देते क्रेडिट ट्रांसफर नहीं होंगे। और वही अगेन जो मैंने बात कर दी कि जब आप 1 डेढ़ 2 साल यहाँ पढ़ के फिर उधर 1 साल में जाएंगे तो आपके आपका वीज़ा नहीं लगेगा। सो आई सजेस्ट कि अपना टाइम वेस्ट ना करें, और कहीं ना कहीं अगर आप फिर अगर पाकिस्तान में पढ़ना चाहते हैं तो फिर आप यहीं से अपना बैचलर्स कंप्लीट करें एंड देन जाएं मास्टर्स के लिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर कोई भी क्वेश्चन है रिलेटेड टू ऑस्ट्रेलिया, दुबई, मलेशिया और एनी कंट्री अराउंड द ग्लोब, यू कैन कॉन्टेक्ट आर काउंसलर्स। थैंक यू सो मच।